हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हेल्थ सेक्टर दैट इज़ हेल्थ टू ठीक है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द लॉट ऑफ डिजीज है ना तो उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे अपना जो डीएनए वायरस है वो कैसे काम करता है आर वायरस कैसे काम करता है एच कैसे काम करता है तो इनका हमने प्रोसीजर देखा था है ना तो लास्ट क्लास के अंदर भी हमने थोड़ा सा रहता था हमारा मलेरिया के बारे में पढ़ना सामने तो मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं ठीक है जी सो so, आपको पता है मलेरिया के अंदर तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो यहाँ पे मॉस्किटो बेसिकली फीमेल मॉस्किटो से होता है तो बहुत सारी ये अब देखो फीमेल मॉस्किटो इज़ अ वैक्टर वैक्टर है वो मतलब वो जो डिज़ीज़ को एक जगह पर दूसरी जगह पर लेके जाता है ठीक है जी लेकिन रीज़न क्या है पॉजिटिव एजेंट क्या है पैरासाइट्स ठीक है जी प्लाज्मोडियम पैरासाइट तो आपने एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एजेंट इज अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ठीक है जी वे द वेक्टर इज फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो ठीक है अब ये बाइट करती है होता गया जैसे मान लो एक ह्यूमन बींग है ठीक है जी अब ये इन्फेक्टेड है यहाँ पे बाइट करेगा मॉस्किटो और उसके बाद चला जाएगा अब मॉस्किटो के ब्लड के अंदर आ गया आपका प्लाज्मोडियम अब ये आगे जाके किसी और जो हेल्दी ह्यूमन है उसको बाइट करेगा अब ये इसके अंदर चला गया फिर ऐसे मॉस्किटो मतलब पूरी दुनिया के अंदर ऐसे दुनिया नहीं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ऐसे घूमता है ठीक है जी तो हमें ये समझना है एक दोनों के अंदर फर्क है द मॉस्किटो इज अ वैक्टर रीजन क्या है कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट सो प्लीज राइट डाउन मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ठीक है थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिज मस्किटो थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। ठीक है जी सो so, अब पैरासाइट जो है अब ऐसे है कि जैसे मान लो बहुत सारे पैरासाइट ऐसे हैं जिनसे डिजीज होती है ठीक है मलेरिया होता है जिसके अंदर मतलब उसके अंदर अलग अलग चीजें होती हैं जैसे मान लो आपका किसी के अंदर आपको आ, तीसरे दिन शिवरिंग हुई किसी के अंदर कम हुई कोई माइल्ड है, है ना तो ये टर्शरी साइकिल ये अलग अलग साइकिल चलते हैं अलग अलग पॉजिटिव एजेंट के थ्रू तो अगर तो जैसे मान लो पैरासाइट अब जैसे हमने देखा कि मोस्टली ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है अगर आपको एग्जाम के अंदर आ गया ठीक है जी प्लाज्मोडियम पैरासाइट कौन से हैं प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम वाईवैक्स ओवेल मलेरिया ये मेनली हैं ठीक है उसके बाद एक और है देट इज़ नो वेलसी नॉलेसी नॉल एसी इज अनदर टाइप ठीक है जो इन्फेक्ट करता है तो जो मेनली इनमें से वाइवैक्स एंड फेलसीपैरम तो हमें क्या याद करना है अगर आपको एग्जाम के अंदर प्री की बात करते हैं प्री के अंदर एक तो हमें क्वेश्चन आता है कि हाँ ये वो बोलेगा कि ठीक है पैरासाइड से होता है ठीक है वो स्टेटमेंट हमारी ठीक है लेकिन वहाँ पर बोलेगा यहाँ जैसे मान लो कि मलेरिया जो है पी ओवेल से होता है प्लाज्मोडियम ओवेल तो आपने देखना है कि यार प्लाज्मोडियम पैरासाइट तो मेनली हम क्या पढ़ते हैं आपके जो दिया होता है हर जगह पे वो फेलसी पैम के बारे में दिया होता है है ना तो आपको ये ध्यान रखना है इनमें से किसी के अंदर भी हो सकता है लेकिन डिफरेंस क्या है मेनली जो मेन डिफरेंस इनके अंदर रहता है एक तो सिवेरिटी कि किसी के अंदर माइल्ड है किसी के अंदर बहुत सीवेर रहता है दूसरा किसी के अंदर तीसरे दिन शिवरिंग होती है या मतलब वो साइकिल कंप्लीट होता है शिवरिंग होती है पसीना आता है उसके बाद है ना मतलब इन टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है फिर फिर शिवरिंग होती है वो साइकिल चलता है